नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे दशहरा के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की। इस भाषण की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और खास तौर पर एक सवाल, लिंचिंग का सवाल, उस पर सबका ध्यान खींचा गया है। तो आखिर क्या है लिंचिंग से जुड़ा हुआ भागवत का अपना बयान और क्यों हो रही है इस पे चर्चा, यही है आज हमारा विषय। और इसीलिए कह रहे हैं भागवत, लिंचिंग और हिंदू राष्ट्र। यह मेरे हाथ में भागवत की वो स्पीच जो उन्होंने विजयादशमी के मौके पर दी है। करीब 7 पेजों की ये स्पीच है। कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जो इस स्पीच में नहीं है, लेकिन अखबारों में काफी विस्तार से जिनको रिप्रोड्यूस किया गया है। अक्सर होता है कि अगर आप लिखित में भाषण देते हैं तो बोलते समय कुछ नई चीजें उसमें जोड़ दी जाती है, और मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने यही काम किया है। सबसे ज्यादा चर्चा लिंचिंग की है और साथ ही साथ इस स्पीच के अंदर हिंदू राष्ट्र की भी बात की गई है। ये उनकी अपनी विचारधारा है, जाहिर सी बात है वो हिंदू राष्ट्र के बारे में जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन लिंचिंग को लेकर जो बात उन्होंने कही है वो आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि एक संस्थान, एक इतने बड़े संगठन के मुखिया से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो इस पर बेबाक राय रखेंगे, जो हर समुदाय के लिए बराबर की बात होगी, किसी एक समुदाय के पक्ष में खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन आरएसएस का इतिहास ऐसा है और उसके मुखिया मोहन भागवत उसके मुखिया हैं, तो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। खैर, सबसे पहले लिंचिंग की बात करते हैं। लिंचिंग की बात करते हुए उन्होंने पूरे मामले को एक तरीके से थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग या एक ऐसा रंग देने की कोशिश की है जो धर्मों के बीच की बात करता है। वो कहते हैं लिंचिंग जो शब्द है, ये शब्द भारतीय नहीं है, ये हमारी हिंदू परंपरा का शब्द नहीं है। और फिर कहते कहते वो कहते हैं कि दरअसल ये ईसाइयत्व में है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट, जब एक महिला को लोग पत्थर मार रहे थे तो जीसस क्राइस्ट ने लोगों से कहा कि उस महिला को पत्थर वो मारे जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई पाप ना किया। वहाँ से वो लिंचिंग शब्द को लाते हैं और फिर अपनी स्पीच में वो इस बात को कहते हैं कि दरअसल ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है और ये ना ही हमारे यहाँ इस तरीके का शब्द, और फिर उसको ये जोड़ देते हैं कि दरअसल लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू समाज को सर्वत्र बदनाम करने का प्रयास करना, देश के अल्पसंख्यक वर्गों में भय पैदा करने का प्रयास करना, ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो यानी एक तरफ वो जीसस क्राइस्ट को लेकर आते हैं, फिर कहते हैं लिंचिंग शब्द जो है हमारी परंपरा का शब्द नहीं है, और इस शब्द को लाकर हिंदू समाज को सर्वत्र बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मैंने कई शब्दकोश खंगाले और उन शब्दकोशों को खंगालकर मॉब लिंच या मॉब लिंचिंग शब्द का अर्थ जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि इसका वाकई में अर्थ क्या है। सबसे पहले मैंने देखा कैम्ब्रिज डिक्शनरी को, और जो उसमें जो मॉब लिंचिंग का अर्थ है वो इंग्लिश में, मैंने उसका हिंदी में तर्जुमा किया है। कैम्ब्रिज में लिखा हुआ है कि एक समूह के लोग जब किसी व्यक्ति पर उन्हें शक होता है तो उस पर वो हमला करते हैं और उसको एक तरीके से जान से मारने की कोशिश करते हैं। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। फिर हमने देखा कॉलिंस डिक्शनरी। कॉलिंस डिक्शनरी में मॉब लिंचिंग का अर्थ थोड़ा अलग है, लेकिन उसका जो तत्व है वो एक ही है। कॉलिंस डिक्शनरी में लिखा हुआ कि जब गुस्से में कोई भीड़ किसी को बिना मुकदमा चलाए उसको जान से मार देना चाहती है क्योंकि उन्हें शक है कि उसने अपराध किया है। ये कॉलिंस डिक्शनरी में मॉब लिंच या मॉब लिंचिंग का अर्थ दिया गया है। फिर मैंने मैकमिलन डिक्शनरी भी खोली और मैक्समिलन डिक्शनरी भी लगभग वही बात कहती है कि जब कोई समूह किसी को मार देता है, एक ऐसे शख्स को मार देता है जिसका कोई अपराध साबित नहीं हुआ हो,
और अंत में मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी खोली और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मॉब लिंचिंग का करके अ बैंड ऑफ पीपल इंटेंट ऑन लिंचिंग समबडी, यानी एक समूह के लोग जो किसी को मार देना चाहते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो, कॉलिंस हो, मैकमिलन हो या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, ये चारों लगभग एक सी बातें करते हैं, यानी एक भीड़ यानी ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक समूह के लोग जो किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं। क्यों मार देना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें शक है कि उसने कोई अपराध किया है और वो नहीं चाहते। वो लोग गुस्से में भी हो सकते हैं, वो लोग किसी षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकते हैं और ये बिना मुकदमा चलाए मार देना चाहते हैं। तो एक सभ्य समाज के अंदर कोई किसी को जान से नहीं मार सकता है बिना कानूनी उसके, बिना संवैधानिक सैंक्शन के। तो अभी पिछले दिनों आप 2015 के बाद से अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अखलाक का मसला हो, जो दादरी का 2015 का मसला है या हाल में तबरेज का, तबरेज अंसारी का मसला है, इन सब में चाहे पहलू खान का मसला ले लीजिए, चाहे जुनैद का मसला ले लीजिए, चाहे कुछ और हिस्से ले लीजिए, सब में एक बात कॉमन है कि एक समूह के लोगों को, इन तमाम लोगों के ऊपर ये शक था कि ये या तो गोहत्या में इन्वॉल्व हैं या फिर ये गोमांस खा रहे हैं या गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं या गायों को ले जा रहे हैं जान से मारने के लिए। और इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और कानून हाथ में लेने के बाद इतना मारा कि इनमें से कईयों की मौत भी हो गई। अखलाक की मौत हो गई, तबरेज की मौत हो गई, जुनैद की मौत हो गई, पहलू खान की मौत हो गई और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आज इस वक्त आपको सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप उन मसलों से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। तो जो डिक्शनरी कैम्ब्रिज कहती है, कॉलिंस कहती है, मैकमिलन कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट नजर आते हो, पहलू खान के मसले में भी। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि मोहन भागवत ने क्यों उसको क्रिश्चियनिटी से जोड़ने की कोशिश की, क्यों वो जीसस का हवाला दे रहे हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए अगर ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, अगर ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, अगर ये भारतीय सभ्यता में नहीं है, लेकिन क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है कि पिछले 4-5 सालों के अंतर्गत जो वाकये मैंने बताए हैं, इन वाकयों में भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के या मुस्लिम समुदाय के लोगों की धर्म के आधार पर पहचान करके गोहत्या के शक में, गोमांस के शक में उनको जान से मारने का काम नहीं किया? अखलाक की मौत कैसे हुई थी? उसके घर में घुस के लोगों ने इस शक पे उसको मार दिया था क्योंकि उनको शक था कि उसने गोहत्या की और उसका जो मांस था वो बना के खाया। तबरेज अंसारी पर भी यही आरोप था, पहलू खान के ऊपर यह आरोप था कि वो गायों की स्मगलिंग कर रहा है और ले जाके गायों को मारेगा। सड़क पर उतार के उसको मारा गया, उसके विजुअल सबके सामने स्पष्ट नजर आते हैं। जुनैद के बारे में यह शक था कि वो ट्रेन के ऊपर जा रहा था और उसके वो गोमांस उसके पास था, भीड़ ने उसको मार दिया। तो चाहे इसको क्यों क्रिश्चियनिटी से जोड़ने का काम किया, ये मेरी समझ के परे की बात है। लेकिन अपने भाषण में भागवत जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं लिंचिंग के संदर्भ में, इस क्रिश्चियनिटी से अलग हटके, जो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके मन में कोई एक पूर्वाग्रह है और ये पूर्वाग्रह एक वैचारिक पूर्वाग्रह है, एक समुदाय विशेष के प्रति पूर्वाग्रह है। क्योंकि जो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं उस घटनाओं के संदर्भ में सीधे कह सकते थे कि इस तरीके की मॉब लिंचिंग हुई है या मॉब लिंचिंग गलत है और ऐसी मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? ऐसी घटनाएं केवल एक तरफा नहीं हुई है, दोनों तरफ से ऐसी घटनाओं के समाचार हैं। हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे मामले हो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं और जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं इक्का दुक्का अगर छोड़ दी जाए तो एक धर्म विशेष की पहचान करके और गोहत्या और गोमांस का आरोप लगा के उनको जान से मारने का काम किया गया है। इसलिए जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि एक तरफा नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं या उनको तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है।
अगर तथ्यों की जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा भी अगर गूगल कर लेंगे तो उनको ऐसी तमाम घटनाएं उनको स्पष्ट तौर पर मिल जाएंगे। इसमें कहीं कोई वो नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं केवल एक तरफा नहीं हुई है तब मन में कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि कहीं वो इन सारे घटनाक्रम को एक दूसरे संदर्भ में देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो विचारधारा के माध्यम से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और वो विचारधारा क्या है उसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, इसी स्पीच में उन्होंने कहा है कि कुछ घटनाओं को, ये देखिए लिखा हुआ है, कुछ घटनाओं को जानबूझकर करवाया गया है, यानी बजाय इन घटनाओं की कटु से कटु शब्दों में निंदा करने के, वो कह रहे हैं कि जो लिंचिंग की घटना है इनको जानबूझकर करवाया गया है, यानी इसमें वो एक षड्यंत्र देखते हैं। और क्यों करवाया गया है, किस लिए करवाया गया है, इसका हवाला वो बाद में देते हैं अपने भाषण के अंदर। फिर वो क्या कहते हैं, कुछ घटनाओं को जानबूझकर करवाया गया है। अगर जानबूझकर करवाया गया है, अगर ऐसी बात मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं और आज केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो स्वयंसेवक हैं, उनकी सरकार है, 303 उनके सांसद हैं और कई दो दर्जन से ज्यादा या 18 राज्यों के अंदर उनकी अपनी सरकार चल रही है, तो उन्हें फौरन इस बात का अन्वेषण करवाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ये घटनाएं जानबूझकर करवा रहे हैं। इन लोगों की पहचान होनी चाहिए। ये बात शोभा नहीं देती है कि जब मोहन भागवत जी मंच से इस बात को कहते हैं और 6 साल बाद कहते हैं, 5 साल बाद कहते हैं इस बात के। वो बहुत ताकतवर आदमी हैं, उनको इन घटनाओं की जांच करवानी चाहिए और ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच में लेके आना चाहिए जो जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं करवा रहे हैं, अन्यथा उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, फिर कहते हैं कुछ घटनाओं को विपर्यस्त रूप से प्रकाशित किया गया है। मीडिया का काम है छापना, चाहे वो अखबार हो चाहे टीवी चैनल्स हो, वो घटनाएं क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हालांकि इक्का दुक्का मामले ऐसे होते हैं जहां गलत बयानी होती है, लेकिन यह कहना कि कुछ घटनाओं को विपर्यस्त प्रकाशित किया गया, यह बात भी सामने आई है। इसका मतलब क्या कि मीडिया जानबूझकर ऐसी घटनाओं को या तो डिस्टॉर्ट कर रहा है या फिर ऐसी घटनाएं जो नहीं हुई हैं उनको सामने रख रहा है या उनकी गलत तस्वीर पेश कर रहा है। अगर ऐसा है तो भी अपने आप में गुनाह है, तो भी अपने आप में अपराध है। और मोहन जी को या भागवत जी को इस बारे में स्पष्टता क्लियर करना चाहिए, वो कौन लोग हैं, जो कौन सा मीडिया हाउस है जो इस तरीके की घटनाओं को गलत तस्वीर पेश करता है। और इस संदर्भ में फिर वो नीचे आते हैं और वो कहते हैं कि लिंचिंग जैसे शब्द देकर सारे देश को व हिंदू समाज को सर्वत्र बदनाम करने का प्रयास करना, देश के तथाकथित अल्पसंख्यक वर्गों में भय पैदा करने का प्रयास करना, ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं, यह हमें समझना चाहिए। भड़काने वाली भाषा तथा भड़काने वाली कृतियों से सभी को बचना चाहिए। अब आप, षड्यंत्र चल रहे हैं, बार बार षड्यंत्र चल रहे हैं या जानबूझकर कराया जा रहा है, तो मोहन जी आप बहुत ताकतवर आदमी हैं, आपकी सरकार बहुत पावरफुल सरकार है, ऐसे लोगों की क्यों नहीं पहचान करवाते आप? पहचान करवाइए ऐसे लोगों के, ये लोग समाज के दुश्मन है जो इस तरीके से घटनाक्रम को करने का काम कर रहे हैं। इससे न केवल हिंदू समाज का अपमान होता है, बदनाम होता है, बल्कि पूरे भारत देश का देश की बदनामी होती है। आप अभी तक क्यों चुप रहे? आपने अभी तक क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल करवाई? क्यों नहीं ऐसे लोगों की पहचान आपने करवाई है? अगर नहीं पहचान करवाई है तो फिर गलती आपकी है। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और आप ताकतवर हैं, आप कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है कि आप ये सब काम नहीं करवा सकते। आपकी पूरी सरकार है और आप करवा सकते हैं इन सब कामों को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ये मानने के लिए मजबूर हूं कि कहीं ना कहीं आप भी मॉब लिंचिंग को एक विचारधारा के आईने से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मसले को आप हिंदू और मुसलमान की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और माफ करिएगा, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं आरएसएस की विचारधारा को देखता हूं तो मुझे सावरकर याद आते हैं और उनकी टू नेशन थियोरी याद आती है, जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने कहा था। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। 1937 में सबसे पहले सावरकर ने यह बात की थी। और फिर मुझे याद आता है गोलवालकर
जो आपके आरएसएस के दूसरे प्रमुख थे, और दूसरे प्रमुख ने ये कहा, एक तरीके से स्पष्ट तौर पर ये कहा था अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में, जिसको आज आप लोग डिसोन करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत के अंदर जो आंतरिक शत्रु हैं, जिनमें आपने मुसलमानों, क्रिश्चियंस और वामपंथियों का नाम लिया था, ये गोलवलकर की किताब है। अब आप उस किताब से अलग अलग कर देते हैं, किताब उसको डिसोन करते हैं और कहते हैं कि ये जो भारत के विभाजन के समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उससे जो क्रोध आक्रोश हुआ था, उसके संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर अगर आज आप ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ साथ रहना चाहिए, और हिंदुत्व का बिना मुसलमान के हिंदुत्व का कोई अर्थ नहीं है, जो बात आपने विज्ञान भवन में कही थी, तो आपको संघ की तौर से गोलवलकर के इन बयानों पर की निंदा करनी चाहिए और उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सिर्फ डिसोन कर देते हैं और कहते हैं कि बंच ऑफ थॉट जो है ये पूरी तरीके से आरएसएस की विचारधारा या संघ की विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप ये खुलकर ये संघ की तरफ से माफ़ी मांगें गोलवलकर की बातों के ऊपर, जो बात उन्होंने बंच ऑफ थॉट में आंतरिक शत्रु के संदर्भ में लिखी है, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने लिंचिंग की परिभाषा करने की कोशिश की, उसके पीछे जो आप षड्यंत्र देख रहे हैं, उसके पीछे आप दोनों समुदाय को जिम्मेदार मान रहे हैं, उससे मन में भ्रम और चौड़ा हो जाता है। आप जरूर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, फिर आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि इस देश के अंदर, मैं पढ़कर सुना देता हूं आपने क्या कहा है। आपने कहा भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। संघ की दृष्टि में हिंदू शब्द केवल अपने आप को हिंदू कहने वालों के लिए नहीं है, जो भारत के हैं, जो भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं, तथा सभी विविधताओं का स्वीकार, सम्मान व स्वागत करते हुए आपस में मिलजुल कर देश का वैभव तथा मानवता में शांति बढ़ाने का काम करने में जुट जाते हैं, वो सभी भारतीय हिंदू हैं। अगर सभी भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो भारत को मानता है अगर हिंदू है, तो फिर आप अलग से ये क्यों कहते हैं कि हिंदू समाज को सर्वत्र बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? इसका मतलब आप मानते हैं कि हिंदू समाज एक अलग समाज है, भारतीय समाज अलग समाज है, भारतीय समाज में दूसरे समाज के लोग रहते हैं। मैं तो एक ऐसे भारत देश की कल्पना करता हूं जिसमें मेरा अपना ये मानना यह है कि किसी को भी किसी की धर्म की पहचान करके उसको उसकी जान न ली जाए, चाहे वो 1984 का सिख दंगा हो जिसमें सिखों की पहचान करके उनकी जान ली गई थी, या 2002 का गोधरा का दंगा हो जहां धर्म विशेष की पहचान करके, जहां कार्यसेवकों की जान ली गई थी, और उसके बाद जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें धर्म विशेष की पहचान करके मुस्लिम और हिंदू दोनों की जान ली गई थी, या फिर मलियाना का दंगा हो, या फिर भागलपुर का दंगा हो, या इस तरीके के और बहुत सारे दंगे हों जहां धर्म के आधार पर लोगों की पहचान करके उनकी जान ली गई, उनके बच्चों का कत्ल किया गया, उनके महिलाओं के साथ अपमान किया गया। और इसमें सिर्फ एक समुदाय के लोग जिम्मेदार नहीं है, इसमें दोनों समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं, इसमें सारे समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। और हर वो समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो किसी दूसरे धर्म के लोगों की पहचान करके, धर्म के आधार पहचान करके अगर उसकी जान लेता है, तो इसकी खुले शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पहलू खान का कत्ल होता है तो उसको बचाने के लिए पूरा अमला लग जाता है, और अंत में ये कहा जाता है कि जो लोग उसके एक्यूज्ड थे उनमें से किसी का भी अपराध साबित नहीं हुआ। या फिर तबरेज अंसारी के मामले में ये नहीं होना चाहिए कि वहां की सरकार और पुलिस कह दे कि इसकी हत्या जो है वो इसकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है या कार्डियक अरेस्ट से हुई है, जबकि पूरी दुनिया ने विजुअल्स देखा है, वो वीडियो देखा है जिसमें उसको जय श्री राम और जय हनुमान कहने के लिए उसको पिटाई की गई और कहा गया तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करो। मेरे लिए ये शर्म की बात है। मेरे लिए इस हिंदुस्तान, इस भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, वो हमारा भाई है, वो हमारे बहन है, और वो हमारे लिए, उनका धर्म कुछ भी हो, हमारे लिए वो सम्मानित है जब तक कि हिंदुस्तान के संविधान में उनकी आस्था है। इसलिए मोहन जी, मैं आपसे पूरी तरीके से असहमत हूं, और आपने जो परिभाषा इसमें दी है और जिस
हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप कर रहे हैं, वो लिंचिंग को इस तरीके से परिभाषित करने से वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और ना ही जो बात आपने अपने भाषण के अंदर कही है, परम वैभव की बात जो की है, वो परम वैभव भी इस तरीके से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तंग नजरिए से मुल्क नहीं बना करते, तंग नजरिए से सभ्यताओं में परिष्कार नहीं होता, तंग नजरिए से जो संस्कृतियां हैं वो उदात्त रूप धारण नहीं करती हैं। उसके लिए बहुत विराट व्यक्तित्व चाहिए, उसके लिए बहुत विस्तृत समझ चाहिए, और उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता के साथ साथ सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि जिस दिशा में हम लोगों ने चलना आरंभ किया वो अपना अंतिम लक्ष्य परम वैभव संपन्न भारत, तो परम वैभव संपन्न भारत सबको लेकर चलने का नाम है। वो किसी एक समुदाय विशेष को इंगित करके और एक समुदाय विशेष का पक्ष लेकर वो नहीं हो सकता। अगर आप इस धरती पर रहने वाले, इस भारत भूमि में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदू कहते हैं, तो फिर आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में फ़र्क नहीं करना होगा, और आपको गोलवल करके उस किताब को डिसोन करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी निंदा करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको समाज विशेष से अगर माफ़ी मांगेंगे तो विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। लेकिन अंत में जैसा कि मैं अपील करता हूँ, आज फिर वही अपील, और अपील ये है कि सत्यहिंदी.com को ये ताकत मिलती रहे कि सच को सच कह सकूँ, ताकि कोई कितना भी ताकतवर हो उसके सामने अपनी बात कहने से मैं झिझकू नहीं, संकोच नहीं हो। तो आप हमारी प्रेरणा बने रहें, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और लाइक करिए, और हमारा जो सत्यहिंदी.com है उसके स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप विज़िट करें और शेयर करें। इतना करेंगे बहुत मिल मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएँ।